हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम बेटा डिस्कस करेंगे क्लास 12th का अपना न्यू चैप्टर, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। और इसमें मेन डिस्कस करेंगे अमीन। इसके पहले आपने देखा था डैगोनियम सॉल्ट, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे आज अमीन के बारे में। जैसे अमीन का आप सिंपल जानते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसका NH2 का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसमें मैडम हमें डिस्कस क्या करना है, क्लासिफिकेशन देखेंगे, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। उसके बाद हम देखेंगे इसका शेप क्या होता है, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, और लास्ट में देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड में एनिलीन। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले स्ट्रक्चर ऑफ अमीन से देखते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ऑफ अमीन की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अमीन, देखो जनरली अमीन का स्ट्रक्चर होता है कुछ अमोनिया जैसा ही होता है। जैसा आप अमोनिया जानते हैं NH3 होता है, तो जनरली अमीन को भी हम दिखा सकते हैं NH3 में। मान लो आप एक अमीन लेते हो, कोई स्ट्रक्चर लिया N, उसके तीन बॉन्ड बन सकते हैं, एक बॉन्ड खाली है, अगर हम एक बॉन्ड और लगा सकते हैं, मान लीजिए सपोज करिए। मान लो ये आपका एक एल्किल ग्रुप हो गया, दूसरा आपका एल्किल ग्रुप हो गया, सिमिलरली आप देखेंगे ये तीसरा एल्किल ग्रुप हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद अमीन के पास क्या लोन पेयर होता है, और लोन पेयर भी किस में रहता है, इसके पी ऑर्बिटल्स में। ये जनरली अमीन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल ही होती है। और शेप की बात करते हैं, इसका शेप कैसा होता है, पिरामिडल शेप का होता है, ध्यान रखिएगा। यदि हम शेप की बात करते हैं, कैसा होता है, ये ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, ठीक है। अगर बेटा हम बॉन्ड एंगल की बात कर लेते हैं, बॉन्ड एंगल लगभग होता है ये, इसके जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं, किसी कोई बॉन्ड आप देखते हो तो वो लगभग 109.5 डिग्री होता है। जबकि इन केस ऑफ ट्राईमेथिलामीन की बात करते हैं, अगर हम ट्राईमेथिलामीन लेते हैं, तो वहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 108 डिग्री, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर की बात है, ज्योमेट्री की बात है, तो इसका ज्योमेट्री ध्यान रखिएगा। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन को जनरली हम इसको तीन क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स, इसमें 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा और 3 डिग्री होगा। अब इसको बेटा कैसे क्लासिफाई किया जाता है, देखिए आपके पास क्या दिया गया, ये NH2, इसका एक बॉन्ड खाली है, आपने कहा यहाँ एक एल्किल ग्रुप लगा दिया, तो ये 1 डिग्री हो गया, ठीक है। कैसा हो गया, ये 1 डिग्री अमीन हो गया। आप एक H को हटाइए, एक एल्किल ग्रुप और लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा फिर, ये मान स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, NH, ये R और ये आपका R, कैसा हो गया, 2 डिग्री अमीन हो गया। इस H को भी रिप्लेस कर दीजिए आप किससे, एल्किल ग्रुप से, तो ये R हो जाएगा, R और ये R, जिसे हम क्या कहते हैं, ये 3 डिग्री अमीन हो गया। अब यहाँ पे जितने भी R है आपके एल्किल ग्रुप्स होते हैं, हो सकता है एल्किल ग्रुप आपके सेम भी हो और हो सकता है डिफरेंट भी हो, ठीक है। कि जनरली अमीन का क्लासिफिकेशन था, इसका क्वार्टरनरी सॉल्ट भी बनता है, लेकिन वो बेटा सॉल्ट होता है, ठीक है। तो उसे हम जनरली NR4 कह सकते हैं, तो इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे अगर किस क्वेश्चन में आ जाता है तो। देखिए ये तो इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब नॉमेनक्लेचर आपने 11th में देखा ही था, उसको हम डिस्कस यहाँ नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ मेन हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन। देखिए अगर मेथड प्रिपरेशन की बात करते हैं, इसे पहला मेथड दे रहा है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, पहला दे रहा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। यानी किसी भी नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड्स को आप रिड्यूस करते हो, किसमें कन्वर्ट होता है वो हमेशा अमीन में, ध्यान रखिएगा। मान लो आपने बेटा क्या लिया, R NO2,
ठीक है। इसका हमने क्या किया, रिडक्शन किया, रिडक्शन कराया हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, आप यहाँ प्लेटिनम ले सकते हैं, रैने निकल ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, और उसको आप जैसे ही रूम टेम्परेचर पे हीट करते हो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये, फिर RnH2 क्या बन गया आपका, ये अमीन। ठीक है, अब यहाँ बेटा आपने प्लेटिनम लिया, आप यहाँ टिन के साथ स्टील भी ले सकते हैं, या तो आप कोई भी यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला मेथड हो गया। हम अगर दूसरे मेथड की बात करते हैं तो दे रहा है फ्रॉम एल्किल हैलाइड, अगला दे रहा है अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसमें देखिए कहते हैं कि हम क्या लेते हैं, यहाँ पे एल्किल हैलाइड लेते हैं RX और रिएक्शन कराते हैं किसके, अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, और कुछ जैसे ही बेटा हीट किया जाता है किसमें कन्वर्ट होता है, ये RnH2 क्या अब कन्वर्ट हो गया, अमीन। ठीक है, अब जनरली रिएक्शन में क्या होते हैं, अगर हम एल्किल हैलाइड क्वांटिटी बढ़ा दें, यानी इसको हम क्या लार्ज क्वांटिटी में ले लें, तो इसके बाद जितने भी हाइड्रोजन सबको रिप्लेस कर लेता है, जैसे मान लो एक आपके 1 डिग्री अमीन बन गया। ठीक है, अगर आप इसी को लो फिर से, तो RnH2 है, आपने HX का दूसरा मॉलिक्यूल, RX का दूसरा मॉलिक्यूल लिया, क्या बन जाएगा फिर, ये R2NH। ठीक है, अगर बेटा इसी पे हम तीसरा मॉलिक्यूल ले लें R2NH+RX, क्या बन जाएगा, ये R3N। ठीक है, आप यहाँ देखते क्या हो कि 1 डिग्री अमीन भी बन गया, 2 डिग्री भी अमीन बन गया, और साथ में 3 डिग्री भी अमीन भी बन गया। अगर इसको हम एक मॉलिक्यूल और ले लें, यानी क्या ले लें यहाँ पे, मान लीजिए हम R3N, हम फिर से RX रिएक्शन और करा दें, तब बनता है 4 डिग्री में, यानी तब क्या बन जाएगा बेटा, ये R4N, और साथ में क्या बनेगा X, ये प्लस और ये माइनस, यानी एक तरह की सॉल्ट बनता है, इसमें क्या कहते हैं, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बोला जाता है इसे, ध्यान रखिएगा, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो जनरली क्या होता है, जो रिएक्शंस होती है इसमें आप देख रहे हो कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और अप्रॉक्स 4 डिग्री अमीन, यानी सारे टाइप के अमीन इसमें बन जाते हैं। ठीक है, जिसको बेटा नॉर्मली हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो जनरली हम ये मेथड बहुत अच्छा हमारे नहीं माना जाता कि साहब अमीन को प्रिपेयर करो। ठीक है, हम इसे कंटिन्यू करते हैं, हमारा थर्ड मेथड है फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ साइनाइड। देखो बेटा यहाँ पे होता क्या है, जनरली हम जो साइनाइड लेते हैं, ठीक है, इसको हम 3 मेथड्स कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, अमीन में, और सबका रिडक्शन ही करना है। पहला मेथड हो सकता है आप रिडक्शन करिए इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, यानी हाइड्रोजन कराइए निकेल के प्रेजेंस में, किसमें कन्वर्ट हो गई है, RCH2NH2 क्या बन गया, ये कन्वर्ट हो गया 1 डिग्री अमीन में। सिमिलरली आप रिडक्शन करा दीजिए इसका साथ में, किसको लीजिए आप, एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, तो भी किस में कन्वर्ट करेगा, ये CH2NH2 में। ठीक है, आप फिर से रिडक्शन कराइए, और हो सकता है आप ले लीजिए यहाँ पे सोडियम के साथ, क्या ले लीजिए आप, एथिल अल्कोहल, उस केस में भी किस में कन्वर्ट होगा, ये अमीन में कन्वर्ट होगा। यानी आप देख रहे हो साइनाइड से, आप जब साइनाइड रिडक्शन करते हो तो तीनों केस में अमीन बनता है, सिर्फ आप वहाँ क्या करते हैं, आपके रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आप चाहे हाइड्रोजन का निकल ले लीजिए, चाहे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, या आप सोडियम के साथ एथिल अल्कोहल ले लीजिए। ठीक है, इन केस अगर आपका, अगर यहीं पर आप क्या लेते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो अमीन बनता है 2 डिग्री अमीन बनता है। ठीक है, अगर आप साइनाइड लेते हैं तो 1 डिग्री अमीन बनता है, जबकि आइसोसाइनाइड लेते हैं तो कैसा बनता है, वो 2 डिग्री अमीन होता है। अगला हम देखते हैं जो हमारा फोर्थ मेथड है रिडक्शन ऑफ एमाइड से। अब कोई एमाइड लेते हैं, यहाँ पे मान लो आपने क्या लिया RC(ONH2, ठीक है, इसका हम क्या करना है, रिडक्शन करना है इसका। बेटा जैसे रिडक्शन करते हो पहले क्या करिए, इसका रिडक्शन करिए LiAlH4 प्रेजेंस में। ठीक है, और उसका फिर क्या कर दीजिएगा, हाइड्रोलिसिस, किस में कन्वर्ट होगा, ये अमीन में, यानी RCH2NH2 किस में कन्वर्ट होगा, ये 1 डिग्री अमीन में।
अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछा भी जाता ही है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये बेटा हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। जो इसमें अगला रिएक्शन दे रहा है वो क्या दे रहा है, वो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। देखिए इसमें लेते हैं कि आप इसे एमाइड लेते हो, आप क्या लेते हैं बेटा इसमें एमाइड, RCONH2 एमाइड हो गया, हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ, और साथ में क्या लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन तीनों को हम जैसे ही बेटा हीट करते हैं, मिक्स करके हीट किया जाता है, इसमें आपका बनता है RNH2 यानी 1 डिग्री अमीन, ठीक है, क्या बन गया ये 1 डिग्री अमीन बन गया, और साथ में बनता है इसके साथ K2CO3 प्लस KBr प्लस क्या बन जाएगा वाटर। यानी आप देख रहे हो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से हम क्या कन्वर्ट करते हैं 1 डिग्री अमीन को, ठीक है, रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। इसका जो अगला मेथड दे रहा है वो भी पूछा जाता है आपसे, नेम रिएक्शन है ग्रेब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, इसमें बेटा क्या होता है आप क्या लेते हैं कोई थैलामाइड लेते हैं, ठीक है, तो कई स्टेप में रिएक्शन होती है इसको, तो ध्यान से देखिए इसमें आप क्या लेते हैं पहले थैलामाइड लेते हैं, थैलामाइड के स्ट्रक्चर आपने देखा ही होगा C डबल बॉन्ड O, ये क्या होता है थैलामाइड होता है, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं थैलामाइड, इसकी रिएक्शन कराई जाती है पहले एल्कोहलिक केओएच के साथ, ठीक है, तो यहाँ से वाटर बाहर निकलता है तो बनता है ये आपके पास एक बड़ा ही सॉल्ट बनता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम थैलामाइड, इसका क्या नाम हो जाएगा पोटेशियम थैलामाइड। अब इसकी रिएक्शन कराई जाती है, इसी भी रिएक्शन कराई किसकी आप RX की, तभी कन्वर्ट होता है, यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ इसको, अब इसका बेटा नाम क्या रखेंगे, अब देखिए यहाँ एल्किल ग्रुप लग गया, यानी केक्स तो बाहर हो गया तो एल्किल ग्रुप लग गया, इसे हम कहते हैं N-alkyl thalamide, इसका नाम क्या हो जाएगा N-alkyl thalamide, ठीक है, अब जो थैलामाइड ये बन गया, ठीक है, अब इसका क्या कर दीजिए फिर से इसको ले लीजिए आप एक्वस NaOH का क्या करिए हीट कर दीजिए एक्वस NaOH के साथ, तभी कन्वर्ट होता है ये प्लस बन जाता है यहाँ पे RNH2, आप इस क्या देख रहे हो क्या बन गया आपका 1 डिग्री अमीन, ठीक है, तो ये आपकी पूरी पूरी क्या रिएक्शन होती है थैलामाइड रिएक्शन होती है, इसे थैलामाइड सिंथेसिस भी कहते हैं। और इसका जो अगला मेथड है प्रिपरेशन का, इसके बड़े जो अगला मेथड है वो है फ्रॉम एल्कोहल, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा इसको फ्रॉम एल्कोहल, ये एल्कोहल में क्या कहते हैं हम एल्कोहल लेते हैं ROH, रिएक्शन कराते हैं हम NH3 के साथ, तो वाटर बाहर होगा तो क्या बनेगा आपका ये RNH2, इसको बड़ा हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या बनता है आपका ये 1 डिग्री अमीन, इसे आप 2 डिग्री 3 डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लो आपने फिर से क्या ले लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फिर आपने दूसरा मॉलिक्यूल लिया अल्कोहल का, क्या कन्वर्ट हो जाएगा फिर ये R2NH, किस में कन्वर्ट हो गया ये 2 डिग्री। सेम इसमें हम अल्कोहल का तीसरा मॉलिक्यूल ले लें और साथ में क्या ले लें Al2O3, क्या कन्वर्ट हो जाएगी ये R3N इन 3 डिग्री, यानी आप देखिए इसमें 1 डिग्री बन गया, 2 डिग्री अमीन भी बन गया और ये 3 डिग्री अमीन भी बन गया, ठीक है, तो यहाँ भी आप देखते हैं अल्कोहल केस में डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीन्स बनते हैं जिसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। ये भी कुछ हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इस केमिकल रिएक्शन। थैंक यू।